नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में एक नया टॉपिक लेकर के, एक नया नुस्खा लेकर के, जो आपके लिए बेहद कारगर और फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दो दिनों में चेहरे को गोरा कैसे बनाएं। आइए देखते हैं दोस्तों, गोरेपन में कमी आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कड़ी सूरज की धूप, प्रदूषण, झाइयाँ या फिर चेहरे पर दाग धब्बे इत्यादि। बाजार में मिलने वाले स्किन केयर प्रोडक्ट संवेदनशील त्वचा के लिए बड़े ही हानिकारक माने जाते हैं। दोस्तों, बेहतर है कि आप घर में रखी प्राकृतिक चीज़ों का ही प्रयोग करें, क्योंकि इनसे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इसका। तो आप सभी से ये अनुरोध समझिए, हमारा विशेष अनुरोध समझिए, कि अगर आप घरेलू चीज़ों का उपयोग करते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बच जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करें। आइए आगे हम जानते हैं कि कैसे ठीक कर सकते हैं। बेकिंग सोडा, जी हाँ दोस्तों, बेकिंग सोडा और पानी मिलाकर पेस्ट बना लें पहले, और इसे चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से पहले मुँह को फेस वॉश करना ना भूले दोस्तों। जी हाँ, जब भी स्किन पे आपको कुछ भी लगाना हो दोस्तों, तो स्किन को पहले क्लीन कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद आप उस पर लेप लगाएं और 15 मिनट तक उसे छोड़ दें, फिर धो लें दोस्तों। दूसरा, दूध केला, जी हाँ, पके हुए केले को थोड़े से दूध के साथ पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। और मैं जितनी भी औषधियाँ बताऊँगा आज दोस्तों, उन सभी औषधियों का प्रयोग करने से पहले आप फेस वॉश करना न भूलें। गुलाब जल, जी हाँ दोस्तों, यह आपके चेहरे को टोन करके पोषण पहुंचाएगा। रोज वाटर को मिल्क के साथ लगाएं। जी हाँ दोस्तों, आप गुलाब जल को दूध के साथ चेहरे पर लगाएं। अच्छा होगा कि आप इसे रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाएं, इससे त्वचा ब्राइट बनेगी दोस्तों। एलोवेरा, जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा जेल आपकी त्वचा को गोरा, साफ और नम बनाएगा। इसे चेहरे और गर्दन पर 30 मिनट के लिए लगाएं, आपकी त्वचा गोरी और मुलायम हो जाएगी। सूरजमुखी का बीज, थोड़े से सूरजमुखी को रात भर दूध में भिंगो कर रख दें, फिर सुबह इसमें हल्दी और केसर के कुछ धागे डालकर पेस्ट बनाएं, फिर सुबह इसे हल्दी और केसर के कुछ भाग डालकर पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे पर 15 मिनट तक लगा रहने दें, कुछ ही दिनों में आपका चेहरा गोरा बन जाएगा। आम का छिलका, जी हाँ दोस्तों, थोड़े से आम के छिलके को दूध के साथ पीसकर पेस्ट बना लें, फिर इसे चेहरे और गर्दन पर 15 मिनट तक लगाने के बाद पानी से धो लें, इससे सन टैन मिट जाएगा और चेहरा गोरा एवं साफ हो जाएगा दोस्तों। शहद, जी हाँ दोस्तों, शहद की कुछ बूंदों को नींबू और थोड़े से दही के साथ मिक्स करके चेहरे पर लगाएं, 15 मिनट के बाद इसे साफ कर लें, इससे चेहरा गोरा बनेगा और गंदगी भी साफ होगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपके चेहरे की गंदगी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। शक्कर से स्क्रब करें, शक्कर को नींबू के रस के साथ मिक्स करें और हल्के हाथों से चेहरे पर रगड़ें, इससे डेड स्किन हटेगी और गंदगी बाहर निकलेगी दोस्तों। नारियल पानी, जी हाँ दोस्तों, दिन में 2 बार चेहरे पर नारियल पानी लगाएं, इससे दाग धब्बे झाइयाँ दूर होती हैं, त्वचा में गोरापन आता है। पानी का ज़्यादा सेवन, जी हाँ दोस्तों, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना पानी का सेवन करें। पानी शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है और चेहरे को टाइट बनाकर झुर्रियां मिटाता है, इस वजह से चेहरा साफ और गोरा हो जाता है। इसके साथ साथ आपको नींद भी पूरी लेनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप अच्छी नींद लेंगे, आपको दिन में 8 घंटे की अगर नींद आती है तो समझिए सबसे बेस्ट है। इससे आँखों के नीचे पड़े डार्क सर्कल हट जाएंगे, साथ ही इससे प्राकृतिक ग्लो आएगा आपके चेहरे पर, जिससे कि आप गोरा दिखेंगे, आपके फेस में ग्लो होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आज का हमारा नुस्खा रहा दोस्तों, कि किस प्रकार से हम गोरा दिखें, यानी कि हमारी स्किन गोरी दिखे,
हम किस प्रकार से स्मार्ट या यूं कहें ब्यूटीफुल दिखें। धन्यवाद, अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे एक और नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।